फ्रेंड्स, ऐसा बहुत कम बार होता है जब आपको जो है एग्जाम ना देना पड़े और आपको जो है डायरेक्ट जॉब मिल जाए। ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या होता है, आपको पहले एक एग्जाम टायर वन क्लियर करना पड़ता है, फिर टायर टू, फिर इंटरव्यू। इस तरह से बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छी परसेंटेज है या फिर अच्छी परसेंटेज नहीं भी है, आपके पास एक डिग्री है, तो आप लोग ये जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, मैं आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, वहां से जाके जो है सारी चीजें देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड जीएस राय, आप देख रहे हैं स्टडी मास्टर और फर्स्ट टाइम चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको जो है सभी रिलेटेड वीडियोस, जॉब से रिलेटेड नई नई वीडियोस और करंट अफेयर की वीडियोस, जीके की वीडियोस यहाँ पर डेली मिलती रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको सभी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सारी अपडेट सबसे पहले वहां पर दी जाती है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर 105 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और स्टार्टिंग डेट है एग्जाम्स जो है फॉर्म की 11 सितंबर है, और जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो है पोस्ट नेम, फूड सेफ्टी ऑफिसर कितनी वैकेंसीज हैं, 91। फूड एनालिसिस 6 वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट 4 और सीनियर एनालिस्ट 1। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 105 पोस्ट है। सैलरी देख लीजिए 44,000 पर मंथ, 44,044, ये देख लीजिए इनके सामने लिखी हुई सैलरी आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है 66,000 पर मंथ और यहाँ पर 66,000 पर मंथ। एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स आपकी कोई नहीं लगेगी, और जो इसका एप्लीकेशन का मेथड है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन नहीं अप्लाई करना। फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम 37 ईयर तक का कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। एससी वालों को 5 साल के लिए छूट, एससी एसटी के लोग मतलब 42 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 3 साल की छूट है, मतलब वो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देख लेते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन है, ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे रखी है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपको जॉब लोकेशन की बात करें तो बिहार इसकी जॉब लोकेशन है, लेकिन अगर इतनी अच्छी ऑफिसर लेवल की जॉब है तो आपको मेरे हिसाब से स्टेट नहीं देखनी चाहिए, सिर्फ जॉब देखनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अप्लाई करने का लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैं आपको ये सारा लिंक दे दूंगा, वहां से जाके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट फ्रेंड्स 25 ऑफ सितंबर है, तो आपको अप्लाई करना है तो 25 सितंबर से पहले जरूर अप्लाई कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी फ्रेंड्स लाइक करके जरूर बताइए, कम समय में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द स्टडी मास्टर प्रोवाइड कराता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से जाकर आप लोग सारी चीजें खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई फीस नहीं है, ये ध्यान रखिए, अप्लाई जरूर कीजिए, ऐसा मौके बार बार नहीं मिलते। थैंक यू सो मच, बाय बाय।